हावड़ा ब्रिज पश्चिम बंगाल के मशहूर ब्रिजों में से एक कोलकाता के हुगली नदी के ऊपर स्थित है। यूं तो ये ब्रिज अपने अनोखे कैंटिलेवर सपोर्ट के लिए जाना जाता है, लेकिन इस पुल से जुड़ी ऐसे राज है जिसे सुन के आपकी रूह कांप जाएगी। भूत प्रेत पे कई लोग विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद शायद आपकी भूतों के बारे में सोच बदल जाएगी। हावड़ा ब्रिज के आसपास रहने वाले लोग ये बताते हैं कि जब भी वो पुल के नीचे यानी हुगली नदी के पास जाते हैं तो उनको नदी से डरावने हाथ निकलते हुए दिखते हैं, जो इतने डरावने होते हैं कि देखने वाले की रूह कांप जाती है। वहां से गुजरने वाले मुसाफिर ये भी बताते हैं कि उनको एक सफेद कपड़े पहनी हुई एक लड़की धीमे आवाज में पुकारती है, जिसके कारण उनको अजीबोगरीब चीजें दिखने लगती हैं। ऐसी ही एक कहानी है राहुल की। राहुल जो हाल ही में कोलकाता में शिफ्ट हुआ था, जल्द ही वो अपने पड़ोसियों से हावड़ा ब्रिज के रहस्यमय कहानियों के बारे में सुनता है, लेकिन पढ़े लिखे होने के कारण वो इन चीजों में विश्वास नहीं करता और अपने इवनिंग वॉक के लिए हावड़ा ब्रिज के ठीक नीचे हुगली नदी के पास टहलने चला जाता है, जहां पे वो मखमली रेतीले मिट्टी पे चलते हुए अंधेरी रात का मजा उठा ही रहा होता है कि उसको कुछ दूर नदी किनारे एक औरत खड़े हुई दिखती है। हालांकि दूर होने के कारण वो औरत धुंधली सी नजर आ रही थी, जिसके कारण राहुल उस औरत के नजदीक जाता है और देखता है कि उस औरत की साड़ी कई जगह से फटी हुई थी और उसके लंबे काले बाल ने उसका चेहरा ढक रखा था। काफी रात और जगह सुनसान होने के कारण राहुल को वो औरत का पहनावा देखकर काफी डर लगने लगा था, लेकिन वो अपना हिम्मत जुटाते हुए उस औरत से उसका नाम पूछता है, लेकिन वो औरत वापसी में कोई जवाब नहीं देती। अपने सवाल का कोई जवाब नहीं मिलने के कारण राहुल उस औरत के कंधों पे हाथ रखकर फिर से उसका नाम और क्या वो ठीक है पूछता है, लेकिन जैसे ही उसका हाथ उस औरत के शरीर पे पड़ता है, राहुल को एक अजीब सा एहसास होता है, जैसे उसको जोर की करंट लग गई हो। लेकिन इस बार वो औरत धीमे और लड़खड़ाती आवाज में राहुल को मेरी मदद करो कहती है और अपना चेहरा राहुल की तरफ मोड़ती है, जिसे देखते ही राहुल खौफ में जमीन पर गिर जाता है। उस औरत का चेहरा इतना डरावना था कि राहुल के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल पा रहा था। देखते ही देखते वो औरत अपने पतले और खौफनाक हाथों से राहुल का गला दबाने लगती है, जिसके कारण राहुल जोरों से चीखने लगता है और अपना गला उस औरत के हाथों से छुड़ाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन उस औरत का पकड़ इतना मजबूत था कि राहुल का बच पाना नामुमकिन लग रहा था। लेकिन उस रात कुछ मछुआरे हुगली नदी के पास से गुजर रहे थे, जिन्होंने राहुल की चीख सुनी और तुरंत ही राहुल को उस औरत के चंगुल से छुड़ा लिया। जब राहुल को होश आया तो उन मछुआरों ने राहुल को कल रात की सारी बात बताई, क्योंकि राहुल इतना डर गया था कि वो अपने होश खो बैठा था। हालांकि उन मछुआरों के लिए ये आम बात थी, क्योंकि वो ऐसे घटनाओं का लगभग हर एक दिन अनुभव करते ही रहते थे। आखिर कौन थी वो औरत? रहस्यों से जुड़ी एक खौफनाक भूत या मन का बहम? माना जाता है कि वो चीखने की आवाज उन लोगों की है जिन्होंने हावड़ा ब्रिज से कूद कर अपना जान ले लिया था, और लोग ये भी कहते हैं कि नदी से अक्सर निकलते हुए हाथ उन लोगों का है जिनके आत्मा मुक्ति यानी शांति खोज रही है। अक्सर कई लोग इस ब्रिज से कूदकर अपना जान ले लेते हैं, जिसके कारण हावड़ा ब्रिज और उसके नीचे का नदी का भाग श्रापित माना जाता है। इसीलिए आसपास रहने वाले लोग उस जगह पे जाने से डरते हैं और नए आए लोगों को भी उस जगह पे जाने से मना करते हैं।